गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन जो काफ़ी पहले शुरू हो गया था, एक और नई वीडियो की शुरुआत जो अब हो रही है। 11:56, ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट टू द नून। निकल आए हैं रेडियो के बिल्कुल, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। जल्दी से पहुँच रहे हैं क्योंकि 12 बजे का टाइम दिया था जहाँ जाना है, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो आपको मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ, वट एवर हैपन्स वेन एवर इट इज। तो जी, मौसम भी पीछे बादल आप देख सकते हो और लुकाछिपी चल रही है सूरज के साथ, और फ्लैग को मिली हुई है पूरी हवा, जिससे फ्लैग एकदम मस्त लहरा रहा है इस टाइम पे। आगे दिन में क्या होता है पता नहीं, पर इस टाइम फ्लैग बहुत अच्छा लहरा रहा है। मेट्रो ले ली थी जनकपुरी ईस्ट से और जा रहे हैं मयूर विहार एक्सटेंशन तक। हम जाते हैं आगे कहाँ पे बताते हैं साथ से। परी, मरियम, रानी, गौरी। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मेरे पास कॉपी पेंसिल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ना एक चीज है, ठीक है, वो मैं आपको देती हूँ। फिर मैं अगले दिन जब आऊंगी तो मैं आपके लिए कॉपी पेंसिल सब लेकर आऊंगी, ठीक है। इंद्रजीत दी, आईपीएस टेंशन की तरफ से निकल रही थी, तो आई थिंक उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन राजीव नगर राजीव चौक से निकलते निकलते ये देखो ऊपर आसमान कैसे काले काले बादलों से पटा पड़ा है, पर बारिश का नामो निशान नहीं है, उल्टा ह्यूमिडिटी लेवल्स और बढ़े हुए से लग रहे हैं। तो हम ईस्ट दिल्ली से निकल के आ चुके हैं सेंट्रल दिल्ली में। ये रहा पालिका बाजार गेट नंबर 1, और यहाँ कुछ खाने की तैयारी है भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। तो दर्शनवीर जी आगे आगे चल रहे हैं तेज, और ये रहे देखो वो रहे सामने, वो सामने हीरो के बच्चे आपको मिलेंगे पब में बार में। ये देखो ये पीछे इंटरव्यू हो रही है जबरदस्त वाली, यहाँ चलता रहता है ऐसा। चलो कबीर जी ये क्या चल रहा है बता तो दो, और सुन तो लो, इनको बता दो ना क्या चल रहा है। घर बोलने का मौका नहीं मिलता ना, वो यहाँ आके बोलता है। सही बोल रहे हैं, जिसको घर बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहाँ आके बोलता है, पीछे बोल रहा है माइक में, बस भड़ास निकालेंगे पर वोट उसी को डालेंगे। चलो एनीवेज हमने क्या करना है, चल रहे हैं। हम पहुँच गए हैं जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, जॉर्ज को यहीं खड़ा किया था और मेट्रो से गए थे। तो दर्शन सिंह वीर जी वहाँ पीछे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे किसी को मिलना था, वहाँ उतर गए हैं। मैं अब यहाँ से जॉर्ज को लेता हूँ और निकलते हैं दर्शन सिंह वीर जी के पास ही चलना, फिर उनको घर छोड़ेंगे और फिर फ्री होंगे। यहाँ भी बारिश हुई लग रही है तगड़ी वाली, जॉर्ज के इलेक्ट्रिकल्स के अंदर अगर पानी घुस गया होगा तो दिक्कत होने वाली है, देखते हैं पहले उसको ले तो लें। दर्शन सिंह वीर जी को छोड़ दिया है उनके घर के वहाँ पे, और हम चल पड़े हैं अपनी गेड़ी और जो बाकी के काम आज के सारे रह गए उनके लिए। टाइम हो गया 6:13, ऑलमोस्ट 13 मिनट्स, ऑलमोस्ट 6:15 इन द मॉर्निंग। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये आज सुबह भी ऐसे ही लहरा रहा था और अभी तक इसको हवा अच्छी मिली हुई है तो ये अभी भी लहरा रहा है। दिन का क्या था पता नहीं, इस टाइम पे बादल तो सारे छट चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जब हम वापस आए थे यहाँ और जॉर्ज को लिया था पार्किंग से तो वहाँ बारिश हुई पड़ी थी, इसका मतलब बारिश भी हुई है, राइट। सो अपनी गेड़ी करते हैं पूरी और साथ में जो काम है बाहर के वो भी निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लो जी, अभी तक के काम हो गए हैं कंप्लीट और अभी और बहुत सारे काम बाकी हैं, जैसे कि इस वीडियो को एडिट भी करना और बहुत कुछ काम बाकी है। तो समझो कि अपनी गेड़ी भी साथ साथ हो रही है और काम ख़त्म करके हम चल रहे हैं घर की तरफ। तो रास्ते में से देखते हैं खाना लेके चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कमलेश अगर वहीं है ना तो उससे आपको भी मिलवाते हैं और खाना भी ले लेते हैं। बारिश तो जो दिन में हमारी एब्सेंस में हमारे सामने नहीं हुई, पर पीछे से जब जॉर्ज को लिया था तो वो उसके ऊपर बहुत सारी छींटे और सड़क ही आसपास गीली थी, तो उससे पता लग गया कि यहाँ पे बारिश हुई है। अब ये साइकिल वाले भाई साहब ने हमें झटका दे दिया है। एकदम जाके बिल्कुल सामने से निकल गया, देखा भी नहीं कि कोई आ रहा है क्या हो रहा है, बस
अपनी मस्ती में साइकिल चलाते हुए निकल गया बंदा। चलो तो हमारे सामने तो बारिश हुई नहीं और पीछे से मतलब हम लोग नहीं थे तो यहाँ पे बारिश हुई है शायद, और उसके बाद शाम से तो अब तक एक बूंद भी नहीं है और आसमान में मतलब अब बादल दोबारा से जमा होने शुरू हो गए हैं। हो सकता है रात को बारिश हो जाए, सुबह हो जाए, कब हो जाए, हो सकती है, मतलब इट्स नॉट श्योर, पक्का नहीं है। बादल तो आसमान में है, अब इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि पहले जब हमने देखा था तो उस टाइम पे बादल ख़त्म हो चुके थे, वो भैया बरस चुके थे, और अब और ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुकी है बादलों की, तो या तो रात को या फिर सुबह सुबह, हो सकता है हम सो ही रहेंगे तभी आ जाएगी बारिश, या उठेंगे तो फिर बारिश के साथ शुरुआत होगी सुबह की। कल देखते हैं क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं कमलेश को देखते हैं, सबसे पहले बादल बाद में देखेंगे। हंस आज तेरी हंसी रिकॉर्ड कर रही थी। चलो जी खाना ले लेते हैं, भाई अपना मिल गया है, इसी के पास आना था, अब इससे खाना लेके चलते हैं घर। क्या भाई? तो जी पहुंच गए हैं घर पे, और ह्यूमिडिटी होने के कारण ना, और यहाँ थर्ड फ्लोर तक आना पड़ता है तो सीढ़ियों से भी थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा हो जाती है, जिससे पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, राइट। तो पगड़ी में अंदर बाहर हर जगह पसीना पसीना हो गया, राइट। अभी सब चेंज करते हैं, और अब कुछ खास है नहीं, खाना हम ले आए हैं, खाना खा लेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, यहाँ तक अगर देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर आप अपने विचार, आपकी भड़ास, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, सजेशंस, फीडबैक कुछ भी भेज सकते हैं, राइट। मेरे को उनकी वेट रहती है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेना, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।